हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 5 की दूसरी हेडिंग ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11 रसायन विज्ञान भाग 1 का 5वां चैप्टर द्रव्य की अवस्थाएं के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं ऊष्मीय ऊर्जा होती क्या है, ध्यान से आप समझिएगा। एक पदार्थ के अणु या परमाणुओं के गति के कारण ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि थर्मल एनर्जी जो है, उसमें ऊर्जा जो है वो कैसे उत्पन्न होती है। तो इसका कारण दिया गया है यहाँ पे कि अणु या परमाणुओं के गति के कारण, अणु या परमाणुओं के गति के कारण, मूवमेंट के कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, यह पदार्थ के ताप के समानुपाती होती है, ठीक है। पदार्थ का ताप जितना ही अधिक होगा यह उसमें ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। द्रव्य के कणों की औसत गतिज ऊर्जा का माप होने के कारण यह कणों के गमन के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो कणों के, पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए यह ऊर्जा जो है जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है। कणों के इस गमन को ऊष्मीय गमन कहा जाता है, ठीक है। कणों के द्वारा यह जो गमन किया जा रहा है, मूवमेंट किया जा रहा है, इसे थर्मल मूवमेंट कहा जाता है। तो एक पदार्थ के अणु या परमाणुओं के गति के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो पदार्थ चाहे वो अणु से बना हो चाहे परमाणु से बना हो, उनकी गति के कारण, ठीक है, पदार्थ जिससे बना हो चाहे अणु से हो या परमाणु से हो, तो अणु या परमाणु की गति के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह पदार्थ के ताप के समानुपाती होती है। पदार्थ का ताप अगर बढ़ता है तो इस ऊर्जा का मान भी बढ़ जाएगा, उसमें ऊर्जा का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पदार्थ की गति बढ़ जाएगी ताप बढ़ने के कारण। द्रव्य के कणों की औसत गति ऊर्जा का माप होने के कारण यह कणों के गमन के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। उसमें ऊर्जा जो है वह द्रव्य के कणों के औसत गति ऊर्जा का माप है। माप होने के कारण यह कणों के गमन के लिए जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है। कणों के इस गमन को ऊष्मीय गमन कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ऊष्मीय ऊर्जा को समझा। अब हम लोग देखते हैं अगली हेडिंग है आपका अंतरा आणविक बल बनाम ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया के बारे में।